हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। तो जैसे हमें कोई फॉसिल मिलता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कितना पुराना है, उसकी एज क्या है? तो जो किसी फॉसिल का या किसी रॉक का एज पता करना होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या होते हैं कि फॉसिल्स होते हैं प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये हम जानते हैं। और टू एस्टेब्लिश द एज ऑफ रॉक और फॉसिल इज कॉल्ड डेटिंग ऑफ फॉसिल। जब हम किसी रॉक की या किसी फॉसिल की हम उसकी एज पता करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटिंग ऑफ फॉसिल। अब ये जो डेटिंग ऑफ फॉसिल्स है, किसी फॉसिल की एज पता करना है, वो दो तरीक़ों से की जाती है। एक होता है रिलेटिव डेटिंग, एक होता है एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है, देखिए रिलेटिव वर्ड कहीं भी हो ना तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, दो चीज़ें कंपेयर जब की जाती हों आपस में उसके लिए हम रिलेटिव यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव डेटिंग में क्या किया जाता है कि दो फॉसिल्स का कंपेयर किया जाता है। इसमें हम ये नहीं कंपेयर करते हैं, इसमें हम एज का पता नहीं लगाते हैं कि वो कितना ओल्ड है, कितना पुराना फॉसिल है। इसमें ये पता लगाया जाता है कि एक फॉसिल ये है और एक फॉसिल ये है, तो इसमें पुराना कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, इसमें रिलेटिव रेटिंग में ये पता लगाया जाता है। अब रिलेटिव डेटिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रेटिग्राफी है, फॉनल कोरिलेशन है, फ्लोरीन यूरेनियम एंड नाइट्रोजन एनालिसिस है। देखिए पहली बात तो डेटिंग ऑफ फॉसिल्स के कई सारे टॉपिक्स हैं, हम सिर्फ एक जनरलाइज व्यू देख रहे हैं और हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पूरा पैलेंटोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, हमें बस कुछ चीज़ें जो बेसिक पता होनी चाहिए वो पढ़ेंगे। ठीक, तो रिलेटिव डेटिंग में हम ये देखते हैं कि कोई हम इसमें एकदम एग्जैक्ट डेट का नहीं पता लगाते, इसमें हम एज नहीं पता लगाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो नहीं पता लगाते, हम सिर्फ एक कंपेयर करते हैं इसमें कि अच्छा हमें दो फॉसिल मिला है तो एक फॉसिल कितना पुराना है। तो इसके लिए भी मान लीजिए दो फॉसिल है तो एक का एज पता होना चाहिए पहले से ही हमें, तभी हम कर पाएंगे कि अच्छा एक वाला जो फॉसिल मिला है ये इससे कितना पुराना है या कितना उससे नया है। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, जैसे देखिए एक इसमें पढ़ेंगे हम स्टेटिग्राफी, तो वो चीज़ मैं अब बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक लेयर है, ठीक, ये सेकेंड लेयर, दिस इज फोर्थ लेयर एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ लेयर। ठीक, चार चार लेयर है। अब इसमें क्या हुआ कि एक फॉसिल मान लीजिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक फॉसिल मान लीजिए यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक, और एक फॉसिल यहाँ पड़ा हुआ है और ये लेयर ऑफ अर्थ है। ठीक, अर्थ की लेयर है ये। तो रिलेटिव जो डेटिंग है उसमें क्या की जाती है, इसमें ये पता लगाया जाता है कि अब देखिए ये लेयर ऑफ अर्थ ये शो कर रही है हमें कि जितना, ये वाली बात हमने कल भी की थी कि जितना नीचे खुदाई की जाएगी तो ये वाली लेयर पहली बनी होगी, सबसे नीचे वाली लेयर पहले बनी होगी, उसके बाद ये लेयर बनी होगी, कुछ चीज़ें और डिपॉजिट हो गई होंगी, फिर उसके ऊपर फिर कुछ और चीज़ें डिपॉजिट हो गई होंगी तो एक और नई लेयर बन गई होगी, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ दी डिपॉजिट हो गई होगी तो एक और नई लेयर बनी हुई होगी। तो हमें मान लीजिए एक फॉसिल यहाँ से मिला और एक फॉसिल यहाँ से मिला है, तो इससे ये पता लगाया जाता है कि ये वाला फॉसिल ज़्यादा पुराना होगा और ये वाला फॉसिल मतलब अभी रिसेंटली बना है। क्यों बना है, क्योंकि देखिए ये लेयर इतनी नीचे है लेयर इसकी, तो जितना लेयर नीचे जाएंगे, जितना बॉटम पे जाएंगे वो चीज़ उतनी पुरानी होगी और जितना ऊपर रहेंगे तो वो चीज़ अभी रिसेंटली बनी है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो रिलेटिव जो डेटिंग है इसमें यही की चीज़ की जाती है। उसमें स्ट्रेटा, स्ट्रेटिग्राफी जो हम देखते हैं उसमें स्ट्रेटा चेकिंग, स्ट्रेटा मतलब लेयर, ठीक, तो जो जितनी बॉटम पर लेयर होगी और वहाँ अगर हमें फॉसिल मिलेगा मतलब वो उतना पुराना है, और जो जितना ऊपर लेयर मिलता रहेगा, जितने टॉप पे मिलता रहेगा तो वो उतना नया है। तो ये चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम अपने, जैसे ये देख लीजिए रिलेटिव डेटिंग में क्या होती है। रिलेटिव डेटिंग इज वेन द एज ऑफ रॉक और फॉसिल कंपेयर टू अनदर रॉक और फॉसिल। जब एज क्या की जाती है, एक फॉसिल से दूसरे फॉसिल की एज कंपेयर की जाती है कि अच्छा ये ज़्यादा पुराना हो सकता है या ये एक नया, तो कंपेयर करने के लिए एक ही तो एज हमें पता होनी चाहिए ना। ठीक, फिर देखिए इन दिस एक्चुअल एज इन ईयर्स इज नॉट डिटरमाइंड। इसमें हम ईयर्स में एज डिटरमाइन नहीं करते कि ये 500 साल पुराना है या 5000 साल पुराना है, हम बस एक कंपेरिजन देते हैं कि अच्छा ये ज़्यादा पुराना है ये कम पुराना होगा लेयर वगैरह देख कर। ठीक,
रिलेटिव डेप्थ भी एक वर्ड होता है इसके लिए, कि हम जितना नीचे जाते जाएंगे वो चीज़ उतनी पुरानी, जितना ऊपर रहेंगे वो चीज़ अभी रिसेंटली बनी है। अब रिलेटिव डेटिंग कैन बी डन बाई थ्री वेज, तीन तरीकों से रिलेटिव डेटिंग भी की जा सकती है। एक होता है स्ट्रेटिग्राफी, एक होता है फोनल कोरिलेशन, और एक होता है फ्लोरीन यूरेनियम एंड नाइट्रोजन एनालिसिस। तो देखिए स्ट्रेटिग्राफी में जो अभी हमने चीज़ देखी ना वो ही वाली है। तो इसमें देख लीजिए क्या है कि स्ट्रेटिग्राफी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये स्ट्रेटिग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट सॉयल लेयर्स इन अ डिपॉजिट एक्यूमुलेट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। जो सॉयल के लेयर्स हैं वो डिपॉजिट होती जाती हैं और एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट होती जाती हैं, एंड दैट द बॉटम लेयर्स विल बी ओल्डर दैन द टॉप लेयर। और इसी वजह से देखिए कोई चीज़ एक एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती जा रही है, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होगी, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होगी, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होती जा रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो सबसे पहले डिपॉजिट हुई है वो सबसे पुरानी है, और जो सबसे रिसेंटली डिपॉजिट हुई है वो नई है। तो स्ट्रेटिग्राफी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। स्ट्रेटिग्राफी क्या करता है कि इट अलाउज आर्कियोलॉजिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिलेटिव क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट लेयर। तो स्ट्रेटिग्राफी की वजह से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बन जाता है, ऐसे सीक्वेंस बन जाता है कि ये सबसे यंगेस्ट या न्यू है, फिर उससे ओल्डर, फिर उससे ओल्डर, फिर उससे ओल्डर। ठीक, तो ये चीज़ अगर हम इसको समराइज करें तो कैसे कहेंगे कि जो सबसे बॉटम वाली लेयर होती है वो क्या होती है, वो होती है ओल्डेस्ट होती है, और जो सबसे टॉप वाली होती है वो यंगेस्ट होती है। तो जो सबसे बॉटम वाले में हमें मिलेगी तो क्या होगा, वो सबसे पुराना फॉसिल होगा। जो अभी नई मिलेगी उसके ऊपर वाली लेयर में मिलेंगी तो वो अभी रिसेंटली बना है। इसको यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, मान लीजिए कि ये लेयर है, फिर ये लेयर ऐसी, ये याद रखने के लिए। और यहाँ पे मान लीजिए कोई फॉसिल है, ठीक, ये वाला फॉसिल है और एक फॉसिल यह है। ओके, तो स्ट्रेटिग्राफी। फिर फॉनल कोरिलेशन होता है एक चीज़, तो फॉनल कोरिलेशन में फौना और फ्लोरा दोनों को कंपेयर किया जाता है अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक, तीसरा वाला थोड़ा ये है कॉमन है तो उसको देख लेते हैं। फ्लोरीन यूरेनियम और नाइट्रोजन एनालिसिस में क्या किया जाता है कि इसको सेम जियोलॉजिकल डिपोजिशन एरिया में किया जाता है, कि अगर कोई इतना एरिया में है, यहाँ मिले हैं फॉसिल्स, तो उसको कोरिलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन यूरेनियम एंड नाइट्रोजन इन बरीड बोन। जो बोन मिली है, जो फॉसिल हमें मिला है, उसमें क्वांटिटेटिव कितना उसमें कंसंट्रेशन में फ्लोरीन यूरेनियम और नाइट्रोजन मिला है, तो इसके बेसिस पे जब हम पता लगाते हैं एज का, तो उसको कहते हैं हम ये वाला फ्लोरीन यूरेनियम एंड नाइट्रोजन एनालिसिस। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे फ्लोरीन वगैरह हैं तो ये जब वाटर के साथ मिलकर ना एक कंपाउंड बना लेती हैं, ठीक, अलग एक कंपाउंड बन जाता है अलग सा कंपाउंड। तो उसी चीज़ की कंसंट्रेशन चेक की जाती है कि अच्छा इतना कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वो उतनी पुरानी चीज़ होगी, और जितना कम कंसंट्रेशन होगा वो अभी रिसेंटली फॉर्म है। तो ये कुछ मेथड्स है। तो ये रिलेटिव किसके डेटिंग के मेथड से, जिसमें रिलेट किया जाता है दो चीज़ों को, दो फॉसिल्स को। अब ऑब्सोल्यूट डेटिंग में क्या किया जाता है, ऑब्सोल्यूट डेटिंग में आती है हमारी रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जो हम सुनते हैं ना कार्बन 14 डेटिंग, ये आती है किसमें, ऑब्सोल्यूट डेटिंग है। तो ऑब्सोल्यूट में हम एज का पता लगाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसकी पता लगाते हैं कि अच्छा ये इतने साल पुरानी होगी। इसको डायरेक्ट डेटिंग मेथड भी कहा जाता है, और इसमें डेट की पता लगाई जाती है, ईयर्स में पता लगाया जाता है कि अच्छा ये फॉसिल मिला है तो 50-60 साल पुरानी है कि कितने साल पुरानी है, ठीक, ये चीज़ पता लगाया जाता है। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं हम कि द ऑब्सोल्यूट और डायरेक्ट डेटिंग मेथड ऑफ डेटिंग इंक्लूड्स दोज टेक्निक्स विच प्रोवाइड द डेट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन ईयर। ये आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है, मिली है चीज़ें, उनको किसमें पता लगाती है, ईयर्स में पता लगाती है कि कितने साल पुराना होगा ये चीज़। और दिस डेटिंग इज ऑल्सो नोन एज क्रोनोमेट्रिक डेटिंग। इस डेटिंग को क्रोनोमेट्रिक डेटिंग भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज क्रोनोमेट्रिक डेटिंग, ही लाइन याद रखिएगा। फिर मोस्ट ऑफ द ऑब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स आर रेडियोमेट्रिक। और जो कई सारी जो डेटिंग मेथड्स हैं वो क्या है, रेडियोमेट्रिक है। रेडियोमेट्रिक जो हम जानते हैं हमारे नेचर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली रेडियोमेट्रिक डेटिंग में, एक जो हम देखें कि इसमें ना एक्चुअली कंसंट्रेशन रेशियो की चेक की जाती है। कुछ जो ऑब्सोल्यूट डेटिंग्स मेथड्स हैं
वो कौन कौन से हैं। कार्बन 14 डेटिंग है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, यूरेनियम सीरीज डेटिंग है, अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन, फिजन ट्रैक, पैलियो मैग्नेटिज्म, ये सब कुछ क्या है, ऑब्सोल्यूट डेटिंग के मेथड्स हैं। तो देखिए नाम आप याद रखिए, क्योंकि नाम एक जनरल नॉलेज के लिए भी चीज़ है कि हाँ ये सारी डेटिंग टेक्निक्स हैं तो पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है इसमें, कि ऑल दिस रेडियोमेट्रिक डेटिंग आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीके रेट। ये जो सारी जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स है ना, ये डीकेइंग रेट पे बेस्ड है। पेरेंट एटम, डॉटर एटम, ये सब की जो डीकेइंग रेट कितनी है और जो उनका रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, तो उससे हम एज का पता लगाते हैं। ये वाली लाइन समझ में आएगी जब हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो कार्बन 14 डेटिंग पहले देखें, देखिए इतनी सारी डेटिंग मेथड्स है लेकिन हम दो को देखेंगे, कार्बन 14 डेटिंग मेथड को देखेंगे और यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड्स को। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कार्बन 14 डेटिंग, इसमें होता क्या है, देखिए क्या होता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में है मौजूद नाइट्रोजन 14, इसको मैं एक्चुअली एक सेकेंड के लिए यहाँ पे पेज होगा, देखिए मान लीजिए कि मान क्या लीजिए, ये एटमॉस्फेयर में है और ये है हमारा ठीक। आते हैं हम यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन 14, तो कुछ ज़्यादा ही क्या है, नाइट्रोजन 14 मौजूद है एटमॉस्फेयर में। अब इस नाइट्रोजन 14 में क्या होता है कि सन से आती है वो कॉस्मिक रेज आती है, तो उसका एक प्रोटॉन क्या करता है, यहाँ पे उसका एक प्रोटॉन कहाँ से आया है, कॉस्मिक रेज से, कॉस्मिक रेज से आता है। ठीक, क्या है कि एटमोसफियर, ये ब्लू वाला एटमोसफियर को शो कर रहा है। ठीक, तो ये एटमोसफियर में क्या होता है कि N14 मौजूद है, नाइट्रोजन 14, तो इसमें सन से आती हुई कॉस्मिक रेज टकराती हैं, तो उसका एक प्रोटॉन जब इससे टकराता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बन 14 में। ठीक, कैसे इसको हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन 14 था, इससे कॉस्मिक रेज से आई हुई एक प्रोटॉन टकराई और ये कन्वर्ट हो गया कार्बन 14 में। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे वो क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये पेड़ है, ठीक, इसने क्या लिया है, इसने एटमोसफियर से CO2 लिया, ठीक, रूट से वाटर लिया और सनलाइट से एनर्जी इसने ली, उसके बाद इससे फोटोसिंथेसिस किया। तो ये वाले जो इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, इसमें कुछ बिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से कहीं एक कार्बन 14 भी जाएगा इसके अंदर। ठीक, फिर जाएगा इसके अंदर तो क्या होगा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस किया, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, फिर इस प्लांट को एनिमल खाते हैं। ठीक, देखिए एनिमल किसी न किसी तरह से प्लांट पर डिपेंड है हर अपने भोजन के लिए, तो उसमें क्या जाता है, एनिमल्स के बॉडी के अंदर कार्बन 14 भी जाता है। अब क्या होता है ना कि कार्बन 14, कार्बन की हमारे पास 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल की बॉडी में क्या होता है, कार्बन जो 12 है और कार्बन 14 है, इसका जो रेशियो है ना एनिमल बॉडी में और एटमोसफियर में दोनों जगह सेम रहता है। ठीक, अब तक हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कार्बन डेटिंग, और अब तक हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N14 मौजूद होता है, सन से आती हुई कॉस्मिक रेस की एक प्रोटॉन इससे टकराता है और ये कन्वर्ट हो जाता है C14 में। ठीक, C14 में कन्वर्ट ये हो जाता है, तो और हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एटमॉस्फेयर से, वाटर लेंगे, सन से एनर्जी ट्रैप करेंगे और अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, और इस प्लांट को फिर देन क्या करेंगे, एनिमल्स खाते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में एक बिलियंस में से कोई एक हमारा C14 भी जाता ही है। उस प्लांट को जब एनिमल खाते हैं तो उसके बॉडी, एनिमल की बॉडी में C14 जाता है। अब
कार्बन नेचुरली और जो उसका नॉर्मल स्टेट है C12 भी रहता ही है बॉडी में, तो C12 और C14 का जो रेशियो है, जो अमाउंट है, एटमोसफियर में और ह्यूमन बॉडी में दोनों में सेम रहता है। तो देखिए, जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल जिंदा है, वो जिंदा है तभी तक ये ले पाएगा, कार्बन 14 की मात्रा उसके बॉडी में जाती रहेगी। जब वो एनिमल डेड कर जाता है तो वो और क्या करता है ना कि कार्बन 14 अपने बॉडी में नहीं ले सकता है, ठीक। और ये जो कार्बन 12 होता है, ये स्टेबल आइसोटोप होता है। स्टेबल आइसोटोप होता है मतलब ये डिग्रेड नहीं होता है, लेकिन कार्बन 14 स्टेबल आइसोटोप नहीं होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये वाली चीज़ें सब कॉन्सेप्ट आएंगी, ठीक। तो अब क्या होता है कि एनिमल, मान लीजिए कि मर गया, कि एनिमल की डेथ हो गई, एनिमल डेथ कर जाता है, तो अब क्या होगा? ये वाली रिएक्शन हुआ था कि पहले N14 था, उससे कॉस्मिक रेज टकराई तो वो क्या हो गया, C14 में चेंज हो गया। अब ये वाली रिएक्शन चलती है ऐसे कि कार्बन 12 जो है वो आइसोटोप तो ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 है ना, ये दोबारा डिग्रेड होने लगता है नाइट्रोजन 14 में, चेंज होने लगता है नाइट्रोजन 14 में, ठीक। ये जो कार्बन 14 है वो डिग्रेड होने लगता है नाइट्रोजन 14 में, और इसको जब डिग्रेड होता रहता है, तो ये जब आधा डिग्रेड हो जाता है, तो इसको आधा डिग्रेड होने में 5730 साल रखते हैं। कार्बन 14 जब फिर दोबारा नाइट्रोजन 14 में डिग्रेड होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, तो उसको आधा डिग्रेड होने में 5730 साल लगते हैं। आधा डिग्रेड होने में, बस एक एग्जांपल के लिए, कि मान पहले 100 ग्राम था, तो अब इसको 50 ग्राम होने में 5730 साल लग जाएंगे, ठीक। तो ये होता है कार्बन 14 का कॉन्सेप्ट। अब अप्लाई कैसे होता है कि मान लीजिए हमें कोई फॉसिल मिला, ठीक, कोई फॉसिल मिला, कोई भी चीज़ मिली, कोई फॉसिल मिला, कोई प्लांट मिला, जब फॉसिलाइज्ड फॉर्म में मिला हमें, तो जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई, तो उसमें देखा गया कि उसका कार्बन 12 का रेशियो और कार्बन 14 का रेशियो कंपेयर किया गया। तो कार्बन 12 जैसा कि हमने कहा कि स्टेबल आइसोटोप है, तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन कार्बन 14 जो है वो N14 में चेंज होता रहता है। तो अगर वो N14 में आधा कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कार्बन 14 की मात्रा अब आधी ही बची है, तो क्या हम पता लगा लिए हम कि उस फॉसिल की जो उम्र है ना, वो 5730 साल है। तो ऐसे पता लगाया जाता है। अगर उससे भी ज़्यादा कन्वर्ट हो गई होगी, मतलब और उससे ज़्यादा पुराना फॉसिल है, ठीक। तो ये कार्बन 14 का जो पूरा स्टेप है, ऐसे होता है। आई होप समझ में आए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए क्या होता है कार्बन 14 में, क्या की जाती है कि पहले क्या होता है कि एटमोसफियर में N14 मौजूद होता है, नाइट्रोजन 14 मौजूद होता है, नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटोप मौजूद होता है, उसे जब सन की रेस टकराती है, उस वो भी कॉस्मिक रेस, तो एक प्रोटोन जाके जब N14 से टकराता है, कोलाइड करता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है N14 C14 में, ठीक, C14 में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लांट्स, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 H2O सन की रेज से जब एनर्जी लेते हैं, तो अपना फोटो बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो उस कार्बन में से, बिलियंथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या होगा, एक हमारा C14 भी जाता है प्लांट के अंदर। अब प्लांट क्या करते हैं, अब उस प्लांट को ह्यूमन भी खाते हैं। तो देखिए, जब तक ह्यूमन जिंदा रहता है तो एक कॉन्टिन्यूस साइकिल चलती रहती है, वो CO2 इनहेल करता है और CO2 बाहर निकालता रहता है, ये बात पता है। तो जब ये चीज़ चलती रहती है ना, तो एक रेशियो बना रहता है। और बॉडी में क्या होता है कि एक C12 होती है, वो उसका आइसोटोप स्टेबल होता है। तो जब तक इंसान जिंदा रहेगा, तब तक तो क्या होती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर लेता रहता है, छोड़ता रहता है, और O2 अंदर लेता रहता है। लेकिन जब इंसान जब मर जाता है, इंसान मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, स्पेशली इंसान की बात नहीं कर रहे, कोई भी एनिमल मर जाता है, तो वो फर्दर फिर से C14 अपने अंदर नहीं ले पाएगा, वो CO2 मतलब क्या करेगा, बाहर नहीं कर पाएगा, तो C14 उसके अंदर रह जाएगा। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे C14 डिग्रेड होता रहता है ना, वो कन्वर्ट होता है N14 में। तो हम ऐसे पता लगाते हैं, जब C14 कन्वर्ट होता है, आधा कन्वर्ट हो जाता है N14 में, तो उसको 5730 साल लगते हैं कन्वर्ट होने में। तो इसी तरीके से पता लगाया जाता है कि हाँ, इस फॉसिल की उम्र इतनी होगी। अब इसीलिए इसका जो कार्बन 14 का लिमिटेशन ये है कि ये ज़्यादातर नहीं पता, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 5730 साल है, तो इसकी पूरी लाइफ कन्वर्ट होने में भी उसका डबल कर लेंगे हम, तो ज़्यादातर हम इसकी पता नहीं कर सकते, हम ज़्यादा पुराने फॉसिल्स का पता नहीं कर सकते, हम ज़्यादातर 50,000 से लेके 60,000 साल तक की फॉसिल्स का ही पता कर पाते हैं। उससे ज़्यादा पुरानी फॉसिल्स का पता करने के लिए हम दूसरे डेटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ये C14 है, ठीक। तो ये हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कार्बन 14।
रिलीज नहीं होता। चलिए देखिए, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। सही 14 क्या है, कार्बन 14 डेटिंग वाइडली यूज रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डीके ऑफ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डीके ऑफ कार्बन 14 इंटू नाइट्रोजन एलिमेंट। किस मेथड पे बेस्ड है ये? कार्बन 14 का डीके होना किस में? नाइट्रोजन एलिमेंट में, C14 में। न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय द कॉस्मिक रेडिएशन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस C14। हमने ये सब पढ़ लिया कैसे होता है। न्यूट्रॉन्स जो है कॉस्मिक रेज से आई हुई न्यूट्रॉन्स, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन 14 बन जाता है। ठीक, द हाफ लाइफ पीरियड इज 5730 ईयर्स। जो हाफ लाइफ पीरियड है इसकी C14 की, वो क्या है? 5730 साल है। अनलाइक कार्बन 14, कार्बन 12 इज ए स्टेबल आइसोटोप। कार्बन 12 क्या है? एक स्टेबल आइसोटोप है। द कार्बन 14 टुगेदर विथ कार्बन 12 कंबाइंस विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर एंड प्रोड्यूस एंड इंटर्स इनटू CO2। क्या करता है कार्बन 14 और कार्बन 12? ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग 14C एंड मतलब कार्बन 12 और कार्बन 14 इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स एंड वेन ईटन बाई एनिमल्स इंटू इट्स बॉडी। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो क्या होती है? प्लांट्स भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं और फिर एनिमल की बॉडी में जाता है जब एनिमल खाते हैं उसको। आफ्टर द डेथ ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स द रेडियो एक्टिव 14C बिगिन्स टू डीके एंड कार्बन 12 रिमेंस द सेम। और जैसे इंसान या फिर जो भी एनिमल वो डेथ कर जाता है तो कार्बन 14 क्या करने लगता है? रेडियो एक्टिव कार्बन 14 वो डीके करना शुरू कर देता है, लेकिन कार्बन 12 जो है वो सेम रहता है, उसका अमाउंट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 एक स्टेबल आइसोटोप है। बाई मीजरिंग द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट इन दिस कैन बी कैलकुलेटेड। और इसी तरह जब हम कार्बन 12 और कार्बन 14 की उस फॉसिल में रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अमाउंट पता कर सकते हैं कि कार्बन 14 अब कितना बचा है। द एज ऑफ ए स्पेसिमैन इज कैलकुलेटेड बाय एमिशन रेट ऑफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कार्बन 14। और एज कैसे पता की जाती है किसी स्पेसिमैन की? कि एमिशन रेट कितना है। ये जो कार्बन 14 कन्वर्ट होता है हमारा नाइट्रोजन 14 में, इसको हम कहते हैं ये बीटा एमिशन के द्वारा कन्वर्ट होता है। तो वो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि द एज ऑफ स्पेसिमैन इज कैलकुलेटेड बाय एमिशन रेट ऑफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव मटेरियल कार्बन 40, और अप्रोक्सीमेटली कितना साल लगता है? 5730 साल लगता है। ठीक, लिमिटेशन इसकी क्या है कि इज इन रेंज ऑफ टाइम बिटवीन 40,000 to 60,000 ईयर्स। हम सिर्फ 40,000 से लेकर 60,000 साल तक के बीच में ही एज पता कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमें पता करना है तो हमें दूसरे टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें जो मैंने स्टेप वाइज बताई कि वही है कि कॉस्मिक रे से न्यूट्रॉन आई तो न्यूट्रॉन्स थे तो एन 14 से रिएक्ट करके क्या इन्होंने बनाया? कार्बन 14 बनाया। अब कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो क्या होता है? सेम होता है लिविंग बींग्स में और एटमोसफियर में। तो जैसे ऑर्गेनिज्म मरता है तो क्या होता है? कार्बन 14 गोज बीटा एमिशन टू कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन 14 में। ठीक, सो क्या होता है धीरे धीरे क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप स्टेबल है तो कार्बन 14 क्या होने लगता है? अमाउंट में डिक्रीज करने लगता है। और इस प्रोसेस में कम से कम जब वो हाफ डिक्रीज होता है ना तो 5730 साल लगते हैं। तो आई होप ये वाली चीज़ तो मैं पहले जो बताई वो समझ में आया। तो ऐसे की जाती है कार्बन डेटिंग। अब यूरेनियम डेटिंग क्या होता है? यूरेनियम सीरीज डेटिंग इसको कहा जाता है, क्योंकि यूरेनियम देखिए रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं ना इनकी आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है, हम सिर्फ रेडियो एक्टिव वालों की बात कर रहे हैं, कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे मेटल में। कोई यू है मेटल तो वो भी में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत टाइम पीरियड के बाद। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक दिन में दो दिन में। हाँ, लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं कुछ 0.03 माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका जो हाफ लाइफ पीरियड है ना वो किसी का बिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है और किसी का क्या होता है? किसी का कुछ सेकंड्स में भी होता है। तो यूरेनियम डेटिंग में हम बात करते हैं, यूरेनियम सीरीज डेटिंग होती है। यूरेनियम क्या करता है ना, यूरेनियम का दो आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं 238 और 235। तो ये क्या कहता है ना, लीड में कन्वर्ट हो जाता है, लेड में, पीबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और इसको कन्वर्ट होने में ना कितना लगता है? इसका हाफ टाइम कितना है? 4.5 बिलियन ईयर्स। मतलब यूरेनियम 238 क्या करते हैं लेड में, पीबी में कन्वर्ट होता है, जब आधा कन्वर्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो उसको 4.5 बिलियन ईयर्स लगते हैं कन्वर्ट होने में। और ये एक सीरीज में कन्वर्ट होता है, मतलब क्या होता है, यूरेनियम पहले किसी एक पर्टिकुलर मेटल में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर कहीं जाके लास्ट में लेड में कन्वर्ट होता है। तो यूरेनियम डेटिंग सीरीज क्या होती है, देखिए इसको यूरेनियम सीरीज डेटिंग भी कहते हैं।
यूरेनियम सीरीज डेटिंग इज द क्रोनोमेट्रिक डेटिंग. क्रोनोमेट्रिक डेटिंग हम इसको कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग को, ठीक. बेस्ड ऑन द डीके चेन ऑफ यूरेनियम. ये किस पे बेस्ड है? यूरेनियम की डीके पे, डीकेइंग पे, ठीक. दैट इज यूरेनियम 230 एंड यूरेनियम 235 इनटू वेरियस डॉटर एलिमेंट्स एंड वाइडली यूज फॉर डेटिंग फॉसिल्स. डेटिंग फॉसिल्स इसीलिए, और यूरेनियम 238 जो है या यूरेनियम 235 का हम डेटिंग फॉसिल्स की डेटिंग में यूज़ करते हैं. यूरेनियम ब्रेक्स डाउन इनटू लेड एंड हीलियम एट वेरी स्लो रेट. यूरेनियम क्या करता है ना, लेड में और हीलियम में बहुत ही स्लो रेट पे कन्वर्ट होता रहता है. हाफ ऑफ यूरेनियम एटम ब्रेक्स डाउन इनटू लेड इन 4.5 बिलियन ईयर्स. और यूरेनियम जो है उसको हाफ डिग्रेड होने में, जिसकी उसकी क्वांटिटी उसको हाफ होने में 4.5 बिलियन ईयर्स लगते हैं. तो यहीं पे ये चीज़ लिखी कि हाफ लाइफ है यूरेनियम 238 की 4.5 बिलियन ईयर्स. यूरेनियम 238 लेड 206 में कन्वर्ट होता है, हाफ कन्वर्ट हो जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स में. तो बताइए इसको हम और ज़्यादा ओल्डर जो फॉसिल है उनका एज पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ पे भी सेम वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम यूरेनियम की क्वांटिटी चेक करेंगे कि कितना डिग्रेड हो चुका है लेड में. अब ये क्या होता है ना कि ये सीरीज में एक में होता है. यू 35 डिसइंटीग्रेट्स इनटू अ सीरीज ऑफ न्यू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. एक सीरीज ऑफ में होता रहता है. देखिए पहले क्या होता है, यूरेनियम 238 है या रेडियम 236 में पहले कन्वर्ट होता है. फिर क्या होता है, फिर रेडियम 226 पोलोनियम 218 में कन्वर्ट होता है. फिर पोलोनियम किस में कन्वर्ट होता है, एस्टेटिन 218 में कन्वर्ट होता है. एस्टेटिन 218 फिर पोलोनियम 210 में कन्वर्ट होता है. फिर पोलोनियम किस में, लेड 206 में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक. तो ये डिकेइंग जो है एक सीरीज में चलती रहती है. अब इसका भी एक वो है, लिमिटेशन ये है कि एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन अननोन डिसइंटीग्रेशन रेशियो ऑफ यूरेनियम मौजूद हो सकता है. क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई फॉसिल मिला पर्टिकुलर, हम उसकी यूरेनियम डेटिंग करना चाहते हैं, तो यूरेनियम तो शुरू होगा डिग्रेड होते होते वो रेडियम में कन्वर्ट होगा, पोलोनियम में कन्वर्ट होगा, स्टैटिन में, पोलोनियम में, फिर लेड में कन्वर्ट होगा. और मान लीजिए हमें जो फॉसिल मिला है वो पहले से ही डिग्रेड होना शुरू हो चुका है, तो मान लीजिए वो पोलोनियम वाले में स्टेट में है कि एस्टेटिन वाले स्टेट में है, तो हम एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे. वो शुरू से जब हमको यहाँ से यहाँ पता चलेंगी चीज़, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे, हम सही सही एस्टिमेट दे पाएंगे. लेकिन तभी भी ऐसे की जाती है यूरेनियम डेटिंग, तभी भी ये जो कार्बन डेटिंग है और यूरेनियम डेटिंग बहुत ही हमें लगभग लगभग एग्जैक्टली हमें रिजल्ट दे देते हैं, जो एज है वो बता देते हैं हमें, ठीक. तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक. अब हमें सिर्फ इस यूनिट में फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़नी है, उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू.